नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। आप मैंने आज सवालन के जवाब मनाए हाजिर भैन, आज खुद हम सवाल पूछने के लिए हाजिर भैन। मेरे दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस समय यहाँ बनारस में और उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती मैंने जौन दरोगा भर्ती वाला हम जौन जानी थे तो उन बोल पे दरोगा भर्ती में अभी जो है मेडिकल कंप्लीट हो गया है और शायद चल रहा है कि कंप्लीट हो गया है, अभी चल रहा है मेडिकल कुछ कंप्लीट। ये जो एक सफल अभ्यर्थी हैं कुमारी शिखा, आ जाओ। ये जो है दरोगा परीक्षा पास कर ली हैं। कैमरा थोड़ा टेढ़ा करे परी, कहा कि छोटी है हमसे नहीं बताओ एक पड़ते ना आत्मी जान ना पाई, तो इनसे चलिए इनका इंटरव्यू करते चलते इंटरव्यू कर दो। तो नाम बताओ पहले, का नाव है तुम्हारा? मेरा नाम शिखा सोनी है और हाँ? मैं चौबेपुर वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, चौबेपुर वाराणसी से बिलोंग करती हो तुम। और ये बताओ पढ़ाई लिखाई का की है हो? सर मैंने 12th तक तो अपने गांव से ही पढ़ाई किया था। ठीक है। उसके बाद मैं यूपी कॉलेज से मैंने बीएससी किया। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैंने तैयारी बीएससी के मतलब कौन स्ट्रीम में हो बीएससी वाले? मैथ फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स था। अच्छा, मैथ फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। यस, हमारे यहाँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री चलत है। नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन था। अच्छा रहा था, ठीक है। तो ये बताओ ग्रेजुएशन तुम्हारा कब कंप्लीट हुआ? 2017। इनका ग्रेजुएशन जो है 2017 में कंप्लीट हुआ। अच्छा, फार्म जो है एक के पहले कौन कौन परीक्षा में इम्तहान दे चुकी हो? सर इसके पहले मैंने सीजीएल, यहाँ राजा खड़े हो जाओ, यहाँ राय के। सर इसके पहले मैंने सीजीएल दिया था दो बार। हाँ हाँ सर, एक दोनों बार मैंने सर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद सर मैंने उसके बाद मैंने बस प्रिपरेशन चली रहा था। दूर नहीं, कैमरा दूर ना रहो, मैं दिख रहा हूँ सर। प्रिपरेशन वही फिर चली रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एनटीपीसी का मैंने पेपर दिया, तो एनटीपीसी में मेरा कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी प्री में पता नहीं क्यों प्री क्लियर नहीं किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद तो मैंने एसएससी जीडी भी दिया तो उसका क्लियर हो गया, लेकिन मैंने रनिंग नहीं किया। अच्छा। और सर फिर उसके बाद यही यूपीएसआई आया, यूपीएसआई दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में। यूपीएसआई में जो उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट के चांस नहीं मिलते हैं? यस सर, ज़्यादा अटेम्प्ट के चांस नहीं मिलते हैं। यूपीएसआई में एक अटेम्प्ट अधिकतम दो अटेम्प्ट मिल जाए बहुत बड़ी बात रहती है। हाँ, से 5 साल में। हाँ, अब की बात खैर आने वाली है। हाँ, तो ये बताओ अभी पेट भी दिया था, तैयारी कैसे की हो? सर मैथ इंग्लिश, सर मैथ और हिंदी मैंने काफी मैथ और मेरा रीजनिंग पहले से तैयार था, और मैंने जीके में थोड़ा फोकस किया। जीके में फोकस किया, मेरे दोस्तों ने भी काफी मेरा सपोर्ट किया है। तो जीके में मैंने काफी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ा था और पॉलिटी पे ज्यादा फोकस किया था। जीके पे ज्यादा फोकस नहीं, बस पॉलिटी और आईपीसी सीआरपीसी पे फोकस किया था। और फिर उसके बाद मैथ सर तो बहुत इजी आता है, तो मैथ तो सीजीएल का तैयारी किया था तो वो ऑलरेडी तैयार था, रीजनिंग भी तैयार था सर। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाया और ये कुछ एक चीज इनके जो उन कहें एक समझ मामा कि मैथ बड़ा इजी आता। इजी का मतलब क्या होता है? इजी का मतलब जो उन हमका आवे वो इजी है और हमका ना आवे वो कठिन है। अगर आप तैरक जानते हो चाहे जितना पानी भरा है पैरे चले जो फर, और ना ही तैरक जाना था तो भैया मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ वाले। कहने का मतलब ये है कि जो हम आप लोगों से बतावा करे थे कि जो है रीजनिंग मैथ हिंदी वन डे एग्जाम का जो नौकरी वाला है भाई, हम इंजीनियरिंग के नहीं जानी थे, हम डॉक्टरी के नहीं जानी थे, और जो एमबीए एमबीए होते वह हम नहीं जानते, लेकिन दरोगा सिपाही लेखपाल और यहाँ तक कि जो है प्राइमरी टीचर और जो ग्राम विकास अधिकारी, ये सब नौकरियों के लिए ये रामबाण है। रीजनिंग मैथ हिंदी और जो है क्या कहते हैं जी के, तो इस पर फोकस करे चाहिए। अच्छा ये बताओ ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे ज्यादा, ऑफलाइन पढ़ाई ज्यादा करते रहे? सर ऑफलाइन किया है सर, सेल्फ स्टडी बहुत किया है। हाँ, और सर मतलब काफी मैंने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया है। हाँ, और सर प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाला था उससे सारे नोट्स बनाए और बस, और दोस्तों की हेल्प से सभी दोस्तों कर रहे थे उसी तरह हो गया। कहा मतलब ये कि जो है प्रीवियस का जो पेपर रहे वो पेपर ही हल्के हैं, एक के अलावा जो है ऑफलाइन पढ़ाई ज्यादा की। मार्क टेस्ट वगैरह भी बीचे दिए हो ना दिए हो? हाँ सर दिया था मॉक टेस्ट, एक दो दिया था सर, वैसे भी एग्जाम नजदीक आ गया था तो टाइम ही नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिल पाया। मार्क टेस्ट ज्यादा देख, लेकिन ये पढ़ाई बहुत मन से, कि लगभग कतरे घंटा पढ़ जाते रहे सर? सुबह से उठते थे बस पढ़ते रहते थे, खाने पीने के लिए बस हटना पड़ता था, पढ़ते रहते थे और कोई काम वाम नहीं करते थे, बस पढ़ाई काम था ही बस।
पढ़ाई इनके काम रहा, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परे निशान। अच्छा और जैसे जो नए लड़का तैयारी करते हैं, नए लड़कियां तैयारी करती हैं, उनके लिए क्या कहा चाहते हैं? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि पहले अपना बेसिक क्लियर कर लें, फिर उसके बाद सिलेबस निकालें, जिस चीज का एग्जाम देना है सिलेबस निकालें, और प्लस उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स मस्ट है। हाँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालें, वो दोनों को बेस बना के पढ़ाई करें, तो सब चीज पॉसिबल है। जब तक आप जो है जो इम्तहान दे जाते हो, इम्तहान के बारे में न जानी हो, तब तक कुछ ना है। तो प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस मैंने पहले के पेपर निकाल के उसका देखो, और जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, और इसके अलावा रेगुलर पढ़ाई करो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे प्रीवियस ईयर पेपर, हमारे तरफ लिखो, नोट्स बनाओ उसका, उसको बार बार रिवाइज करो, कि ये चीजें मुझे नहीं आ रही है तो उसको रिवाइज करो बार बार। बहुत बढ़िया ये बात बताए ने। अच्छा एक काम के बाद, अपने काम के बाद पूछ ले, ये बताओ हमका कब से जाना थी? सर आपको, हमें लगता है सर डेढ़ साल से लगभग जानते हैं। डेढ़ साल से जानते हैं लगता है, जब आप YouTube पे आए थे उसके एक दो महीने से हम जानते हैं। एक दो महीना से ही जान गई हैं उसके, एक दो महीने बाद। हाँ सर ने काफी, मैं मतलब मुझे, हाँ खूब तारीफ कही तो हमार खूब खूब तुम तारीफ झोंको, तारीफ झोंको तुम। एक बार हम लोग, मैं थी और मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों काफी डिस्टर्ब थे, तो हम लोगों ने सर को फोन किया, और सर हमसे उसी टाइम, हम लोगों की फर्स्ट टाइम बात हुई थी, तो लेकिन ये था कि सर को कभी भी, जब भी हम डिस्टर्ब होते थे सर को कॉल करते थे, सर हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, कोई भी चीज से डर लगता था तो हमेशा मोटिवेट करते थे, अरे हो जाएगा। अब बताओ इनका मोटिवेट करे का जरूरत है, खुद ही मोटी है। बेइज्जती नहीं होती इसमें, कौन बेइज्जती, अब दौड़ी हो सब फिटनेस में जी हो, इनका मोटिवेट कर कौन, जो मोटी भी है वेट भी इनके ज्यादा है। तो बहुत बढ़िया लाग, बढ़िया बतायो, कहा एक मतलब ये है कि अगर आप कोई भी लक्ष्य लेके चलत हो, गुमराह करे वाले लोग बहुत मिलत हैं, बहुत मिलते हैं गुमराह करे वाले, सही रास्ता बताओ वाले कम लोग मिलते हैं। गुमराह करे वाले कि ये हो गया है तो सीट बिक गई है, तो नकल हो गया है तो 15 लाख, तो 10 लाख, कहा एक मतलब ये है कि फिर उनसे पूछो तुम पढ़त काहे हो भाई। सर मेरे जानकारी में ऑलरेडी इतने सारे लोग हुए हैं जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर, बहुत मेहनत कर, यस बहुत लोगों को मैंने देखा। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सर, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं ऐसे लोग, हम लोग को मिले कहाँ मिल रहा है पैसा, दिखाओ कहाँ देना है, किसको देना है पैसा। अरे रोज मिला था भैया, अगर पैसा नौकरी मिलत तो हम लोग नौकरी पाए थे यार, हमें लोग का नौकरी मिलत है पैसा से, जो अगर नौकरी बटत, नौकरी नहीं बटत है पैसा से कम से कम इस समय बिल्कुल नहीं बटत है। खास तौर पे लड़कियों के लिए कोई थोड़ी नहीं लगाएगा पैसा, कहे भैया सर लड़कियों के लिए लोग बोलते हैं कि शादी कर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ईमानदारी से, मेहनत से अगर आप लगे रही हो तो आपका सफलता। एक के अलावा और का इंटरेस्ट है, खेलत कूदत तो हो? सर नॉवेल वगैरह पढ़ना, अच्छा मतलब नॉवेल वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है काफी ज्यादा। अच्छा जैसे सेल्फ बुक आती है, हम अपन छपोई का पढ़िया हो सर, कब बनवा रहे हैं ये लो, कब बनवा रहे हैं, हम रुपया से देवे फ्री में न देवे, हाँ फ्री में अपन उपन्यास न देवे, बताए दी थे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग। और परिवार में कौन कौन है? सर मेरी 3 बहन है मुझे लेके, और मेरा एक भाई है, भाभी है। सबसे बड़ी तुम हो? नहीं मैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो। माताजी पिताजी? माताजी पिताजी, मम्मी हाउसवाइफ है और पापा का छोटा सा दुकान है। अच्छा अच्छा सोना चांदी कोई? हाँ। तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लाग, बहुत ही सकारात्मक बात आपकी है। और करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परे निशान। डिस्टर्बेंस चला करते हमने इंटरव्यू में, परेशान ना हो, बस आई तो आवत जावा करी, उसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक मुक्तक हम बिछवा पढ़ा करी था, बड़ा वायरल भवा है। सर क्या तू नहीं सुने होगा दरोगा वाला? हाँ का होगा याद नहीं भा? नवंबर नवंबर जिस मजा दस जनवरी तो ठीक से बोलो, तेज से तेज बोलो, उम्र 17 वहाँ बोलिए हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं तुम ही बोल दो। नवंबर जस मजा जनवरी में न पियो, गंगा जस मजा धरी में न पियो, न पियो सर आप बोलिए। हाँ नवंबर जस मजा बोलो बोलो, नवंबर जस मजा जनवरी में न पियो, गद्दा पियो न पियो, और गद्दा जस मजा, हाँ औधी में बोले थे, और गद्दा जस मजा दरी में न पियो, और ठास के बुलेट से चलियो, दरोगा जस मजा, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पियो। बहुत बढ़िया,
आपको जो है दो स्टार बहुत बहुत मुबारक हो, चमचमाती हुई खाकी वर्दी मुबारक हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का सम्मान मुबारक हो, उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान मुबारक हो, माता पिता भाई बहन सबकी सबके इलाज सबकी सुरक्षा की गारंटी मुबारक हो, और इसी के साथ साथ दीन दुखियों निर्बलों विकलों की सेवा मुबारक हो। थैंक यू। ताली बजाओ, बताओ एक बार फिर सब सुना था।